पढ़ाने वाला हूँ। आज हम चैप्टर नंबर 8 साइना नेमा जीवनी के अंतर्गत व्याकरण में वचन पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपने जो पुस्तक है उसमें 81 नंबर का पेज निकालना है ना। उसमें देखिए वचन लिखा है, पढ़िए और समझिए। साइना ने एक नहीं अनेक पद जीते, ठीक है। एक और अनेक को क्या किया है, डांट, है ना। फिर सेकंड है, साइना अपने माँ बाप और प्रशिक्षकों का दिल से सम्मान करती है। यहाँ पर प्रशिक्षक को भी डार्क पेन से किया है। अब यहाँ पर देखिए, एक वचन बहुवचन, है ना, ये बॉक्स में लिखा है। एक वचन में शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले वह एक वचन कहलाता है, और बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। अब वचन बदलने के नियम है, है ना। तो देखिए, अ के स्थान पर ए लगाकर, जैसे कि यहाँ पर हमने पुस्तक लिखा है, तो ये आ हुआ और ये पुस्तकें, आ के स्थान पर ए लगाकर, ए लगाकर, ठीक है, ए लगाकर। उसके बाद है आ के स्थान पर ए लगाकर, तो जैसे माला है तो मालाएं हो गया, है ना। यहाँ पर ऊपर वाले में बहन है तो बहने हो गया, आंख है तो आंख ही हो गया, रात है तो रातें हो गया, गाय है तो गायें हो गया, है ना। उसके बाद आ के स्थान पर ए लगाकर तो माला का मालाएं, महिला का महिलाएं, सेना का सेनाएं, लता का लताएं, माता का माताएं, शाखा का शाखाएं, है ना। अब हम देखेंगे आगे, आ के स्थान पे ए लगाकर, खाली ए, तो पत्ता का पत्ते, बच्चा का बच्चे, पक्का का पक्की, छाता का छाती, रुपया का रुपये, बस्ता का बस्ते। अब यहाँ पर देखिए आगे लिखा है कि ई के स्थान पर बड़ी ई, छोटी ई के स्थान पर बड़ी ई, जैसे चींटी लिखा है तो चींटी का चींटियां बनाते समय छोटी की मात्रा लग जाएगी। फिर तिथि का तिथियां, सखी का छोटी की मात्रा जो खा में लगा है, है ना, सखियां, टोपी का टोपियां, मिठाई का मिठाइयां। हम ऐसा ना लिखे जैसे कि ये सखी लिखा है, इसमें बड़ी की मात्रा लगी है तो इसका क्या हो जाएगा, सखियां, ठीक है, ये हो जाएगा छोटी की मात्रा, ठीक। इसके बाद हमारा चंद्रमा, फिर मिठाई का मिठाइयां, है ना, छोटा ई बन जाएगा, बड़ी मिठाई क्या है, बड़ा ई है, ये मिठाई बड़ा ई है तो ये क्या बन जाएगा, मिठाई ई, मिठाई, ठीक है। उसके बाद इया के स्थान पर इया लग जाएगा, जैसे चिड़िया लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर, चिड़िया, है ना, तो चिड़िया का क्या हो जाएगा, चिड़िया, चिड़िया, ये चंद्रबिंदु, ठीक है। कुड़िया का कुड़िया, चुड़िया का चुड़िया, गुड़िया का गुड़िया, डिगिया का डिगिया, गुड़िया का गुड़िया। अब उ के साथ ए लगाकर, जैसे ऋतु लिखा है, है ना, ऋतु लिखा है तो इसका क्या हो जाएगा, ऋतुएं, ऋतु का ऋतुएं, ठीक है। जैसे कि बहु, बड़ऊ लगा है ना, तो बहुए, बहुए, ठीक है। उसके बाद छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, और अ है तो गौ का क्या हो गया, गौवें, गौई, ठीक है। उसके बाद देखिए धेनु का धेनु, है ना। फिर कुछ शब्दों के आगे नए शब्द जोड़कर, जैसे अध्यापक है तो अध्यापक गण, गुरु है तो गुरुजन, प्रजा का प्रजाजन, दर्शक का दर्शक गण, है ना, मंत्री का मंत्रीगण, पाठक का पाठक गण, है ना। अब बोलता है यह भी जाने, इसके अंतर्गत देखिए कुछ शब्द सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे हस्ताक्षर, आंसू, ये सब हमको याद रखना पड़ेगा, दर्शन, प्राण, दाम, लोग आदि, है ना। फिर कुछ शब्द सदैव एक वचन के रूप में होते हैं, जैसे कि बारिश, पानी, दूध, घी, दही, आकाश, जनता आदि, है ना। आदर देने के लिए बहुवचन शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे पिताजी बाजार गए हैं, है ना, बाजार तो बोले हमने पर क्या बोलेंगे, गए हैं। अब हम देखते हैं मतलब कि वचन क्या होता है, संज्ञा अथवा स्वनाम का जो रूप उनके एक या एक से अधिक होने का बोध कराता है वो क्या कहलाता है, वचन कहलाता है। संज्ञा या स्वनाम का वह रूप जो, है ना, संज्ञा या स्वनाम का वह रूप जो उनके एक या अनेक होने का, है ना, वह रूप जो उसके उसके एक
या अनेक होने का बोध कराता है ना। तो वो क्या कहलाता है, एक या अनेक या बोलेंगे अधिक होने का बोध कराता है, अधिक होने का बोध कराता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं वज्र, है ना। अब हम देखेंगे अगला, हाँ अब क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं। आओ करें छे, या आपको क्या करना है, आओ करें छे, है ना, आओ करें छे जो है आपको होमवर्क में सी डब्ल्यू हम करा देते हैं, आपको डब्ल्यू ही करना है। ठीक, इसमें देखेंगे हम गुड़िया का गुड़िये, है ना, उसके बाद हाँ बहुवचन शब्द पर गोला लगाना है, तो गुड़िया सबसे पहले वाला, फिर छाते, मछलियां, मित्रगण, प्रजाजन, रास्ते, रोटियां, है ना, ये सब जो है बहुवचन पर गोला लगाए हैं। अब हम करेंगे आओ करें सात, है ना, ये छे हो गया, ये सात, ये भी सी डब्ल्यू है और ये एस डब्ल्यू है। ठीक, तो देखिए इसमें लिखा है पुस्तक में दिए गए शब्दों के वचन बदल कर वाक्य पूरे कीजिए। गली में खालिस्तान भौंक रहे हैं, कुत्ता है तो कुत्ते, है ना, पुलिस ने खालिस्तान तोड़ने वाले चोरों को पकड़ लिया, है ना, तो ताला की जगह ताले, यहाँ केवल खालिस्तान बैठ सकती है, महिला का महिला है, दोनों देशों की खालिस्तान आमने सामने खड़ी है, सेना का क्या हो जाएगा, सेना है ना, वचन में, बाढ़ रोकने के लिए खालिस्तान पर पुल बनाए गए, नदी तो नदी हो जाएगा, बाजार में पकवानों की खालिस्तान है, दुकान तो दुकानें, है ना, सड़क पर प्रतिदिन बहुत सी दुर्घटनाएं, दुर्घटना की जगह क्या हो जाएगा, दुर्घटनाएं, भारत में विभिन्न खालिस्तान और खालिस्तान के लोग रहते हैं, तो जातियों और धर्मों के, है ना, ये हो गया आपका आओ करें छह सात। अब हम देखेंगे 28 नंबर का पेज, ये आपकी जो सेकंड बुक है ना, इसमें मेरी बारी तीन निकालना है आपको, चार, है ना, मेरी बारी क्या करना है आपको, मेरी बारी तीन और चार करना है। तो इसमें तीन में देखिए दिए गए शब्दों के वचन बदल कर लिखिए, शाखा का शाखा, पुड़िया का पुड़िया, दर्शक का दर्शक, दर्शक गण का दर्शक, ऋतु का ऋतुएं, बुढ़िया का बुढ़िया, है ना, धातु का धातु, दवाई का दवाइयां, समस्या का समस्याएं, राशि का राशि। अब आओ करें मेरी बारी चार, इसमें है वाक्यों को सही करके लिखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, कक्षा में पंखा बंद है, है ना, तो इसको क्या लिखेंगे हम, कक्षा में पंखे बंद है, है ना। सेकंड है छात्रों परीक्षा दे रहे हैं, तो छात्र परीक्षा दे रहे हैं। बाल्टी में पानी भर गया, तो बाल्टी में पानी भर गया है, है ना, भर गए हैं की जगह क्या होगा, भर गया है। श्रेया बुद्धिमान स्त्रियां हैं, तो श्रेया बुद्धिमान स्त्री है, है ना। फिर मीरा को अनेक उपहार मिले, तो मीरा को अनेक उपहार मिले, उनका प्राण निकल गया, तो क्या होगा, उनके प्राण निकल गए। ये हो गया आपका आओ मेरी बारी तीन और चार, ये भी आपको होमवर्क करना है। ठीक है, याद आपका वचन हो गया, आज के लिए इतना काफी है। अब हम नेक्स्ट में आपको वाक्य पढ़ाएंगे, है ना, तो आज की क्लास हम यही समाप्त कर रहे हैं, है ना। आप लोगों को आओ करें छे और सात और मेरी बारी तीन और चार जो होमवर्क में करना है। धन्यवाद दोस्तों।